चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो सारा काम आपका इंटीग्रेशन करते हो तो टारगेट एक होता है इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचाना, और बाकी सब जुगाड़ होता है कितना अच्छी तरीके से आप इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचा पा रहे हो। ठीक है, तो देखिए अब हम कैसे अरेंज कर रहे हैं इसको। साइन एक्स है, हमें पता है, हमारे दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि यहाँ सेक स्क्वायर एक्स बनाया जा सकता है, वो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो बाकी टेन स्क्वायर होना चाहिए, टेन होना चाहिए, मतलब टेन की एक्सप्रेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो ये चीज़ हमारे पास क्लू है जिससे हम इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर चाहिए हमें ऊपर, तो हम क्या करें, कॉस स्क्वायर अलग कर लें, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा सेक स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे हम कॉस से क्या कर ले रहे हैं, डिवाइड कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया, ये टेन एक्स हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, ये भी सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली क्या दिखेगा, ये अभी आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकिन लिख देंगे तो आपको दिखेगा, ये सेक स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया, ये भी सेक स्क्वायर एक्स हो गया। फ़र्क क्या है, ये टेन एक्स का डेरिवेटिव है ना, तो यहाँ भी टेन आ जाना चाहिए, तो इस सेक स्क्वायर को हम क्या लिख लें, वन प्लस टेन स्क्वायर, तो इसको हम लिख ले रहे हैं वन प्लस टेन स्क्वायर। अब देखिए पूरी एक्सप्रेशन में क्या है, टेन है और उसका डेरिवेटिव है, मतलब सिंपल है कि आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से प्रोसीड करना है। क्या किया जाए, टेन एक्स को टी पुट कर दिया जाए, तो टेन एक्स लेट कर लेंगे, टेन एक्स इक्वल्स टू टी हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बिकम डी टी, तो ये आपका जो हो गया डी टी हो गया, और बाकी जहाँ जहाँ टेन दिख रहा है वहाँ पे आप क्या रख दोगे, टी रख दोगे, तो ये हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी डी टी। तो अब तो एलजेब्रिक आ गई आपके पास एक्सप्रेशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। टी को अलग अलग आप क्या कर लीजिए, डिनोमिनेटर ले लीजिए, तो ये हो गया आपका वन बाई टी और प्लस क्या हो गया आपका, टी हो गया डी टी। और क्या होता है इंटीग्रेशन, लीनियर ऑपरेटर होता है, तो वन अलग अलग इंटीग्रेट कर लेगा वो, वन बाई टी अलग और टी का अलग हो जाएगा टी डी टी। अब बताइए वन बाई टी, ये तो स्टैंडर्ड होता है, लॉग ऑफ मॉड टी हो जाएगा, है ना, मॉड क्यों लगाते हैं अपने आप, जो भी मेंटर हैं टीचर हैं उनसे पूछिएगा। ठीक है, और इस टी का क्या हो जाएगा आपका, टी स्क्वायर बाई टू प्लस इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी। लेकिन ये फाइनल आंसर तो हो नहीं सकता हमारा, क्या करेंगे, टी हमारा क्या है, डमी वेरिएबल है, तो टी को हम क्या करें, प्लेस करें, टी क्या हमारा था, टेन एक्स था, तो जहाँ टी लिखा हुआ है वहाँ पे फाइनली हम टेन एक्स लिख दें, तो दैट इज लॉग ऑफ मॉड टेन एक्स प्लस वन बाई टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।